चाहे वहां पर शिफ्ट होकर कितनी भी संख्या में आतंकवादी या घुसपैठिए आने की कोशिश करें, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें एक को भी नहीं आने देना है। तो वहां एक बैठा है उसके लिए भी हमारी उतनी तैयारी है, 10 हो जाते हैं तब भी उतनी तैयारी है, उससे ज्यादा हो जाते हैं तब भी उतनी तैयारी है। कितनी भी संख्या में आतंकवादी या घुसपैठिए आने की कोशिश करें, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें एक को भी नहीं आने देना है। प्रयास है वो सीमा को सील करना और फूल प्रूफ बनाना है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है तो जिस भाषा में उनको समझ में आती है उनको अच्छे से ठीक से हमने इस बार भी समझाया है और आगे भी प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जवाब बहुत करारा दिया जाएगा, तो जिस प्रकार का हमने जवाब दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो कई बार सोचेंगे ऐसा करने के लिए। ये जाहिर सी बात है, ये हर साल इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं और एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि जब पहाड़ों में रास्ते बंद हो जाते हैं तो फोकस शिफ्ट होने की कोशिश जो हमारे विरोधी हैं या मिलिटेंट हैं वो इस प्रकार का करते हैं। लेकिन प्रयास है वो सीमा को सील करना और फूल प्रूफ बनाना है। चाहे वहां पर शिफ्ट होकर कितनी भी संख्या में आतंकवादी या घुसपैठिए आने की कोशिश करें, तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हमें एक को भी नहीं आने देना है। तो वहां एक बैठा है उसके लिए भी हमारी उतनी तैयारी है, 10 हो जाते हैं तब भी उतनी तैयारी है, उससे ज्यादा हो जाते हैं तब भी उतनी तैयारी है। तो हमें इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि किसी भी नापाक इरादे के साथ में घुसपैठ करने वाले को भारतीय सीमा में कदम नहीं रखने देंगे। उन्होंने प्रयास किया, अक्टूबर से शुरू किया, उन्होंने 3 बार प्रयास किया इसमें नवंबर में, और तीनों बार जवाब जो है वो इतना करारा दिया गया कि वहां भारी नुकसान की खबर सभी जो हमारे इन्फॉर्मेशन की सोर्सेज हैं उनसे हमें प्राप्त हुई है, और उनका जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से पता चलता है तो काफी ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। और ये हमारा प्रयास है कि बॉर्डर पर सीमा पर शांति बनाए रखें, हमारी यही कोशिश रहती है, क्योंकि जो सीमा पर जो पॉपुलेशन रहती है अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास तो शांति बनाए रखने का ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है तो जिस भाषा में उनको समझ में आती है उनको अच्छे से ठीक से हमने इस बार भी समझाया है और आगे भी प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जवाब बहुत करारा दिया जाएगा, तो जिस प्रकार का हमने जवाब दिया है मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में वो कई बार सोचेंगे ऐसा करने के लिए, और फिर भी अगर वो प्रयास करते हैं तो हम वहां मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसको दी जाएगी और कोई चिंता करने का इसमें विषय नहीं है। हम पूरी तरह से सक्षम हैं इस सिचुएशन को डील करने के लिए, और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा जो बॉर्डर पॉपुलेशन है कि बीएसएफ जो है आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी है और वो हर संभव जो भी प्रयास होगा उसके लिए वो करेगी, और हमारा प्रयास शांति बनाए रखने का ही है। तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हम नहीं करते हैं कि शांति भंग हो, लेकिन अगर सामने से कार्रवाई होती है तो उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब देना जरूरी होता है ताकि इस तरह का दुस्साहस दोबारा करने की कोशिश सामने से ना हो।